एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी केस का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, साथ ही उस केस में जो ऑर्डर दिया गया है उसकी कॉपी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी केस का स्टेटस ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन पर कैसे चेक कर सकते हैं और उस केस में जो ऑर्डर दिए गए हैं आप उनकी फोटोकॉपी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट के किसी भी केस का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर एक ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर में आपको उस हाई कोर्ट का नाम टाइप करना होगा जिस हाई कोर्ट के केस का स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस का स्टेटस चेक करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइप करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइप करने के बाद मैं यहां पर एंटर कर देता हूं। एंटर करते ही सबसे पहले जो वेबसाइट आती है यही उस कोर्ट की वेबसाइट है, तो इस पर मैं क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। वेबसाइट पर आने के बाद यहां आपको जूम करना है और जूम करने के बाद आप देखेंगे कि यहां लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप किसी केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी केस के जजमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जजमेंट्स ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। चलिए हम किसी केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ हम स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आपको जूम करके देखना है। यहाँ पर देखिए केस स्टेटस इलाहाबाद, मेडिएशन और केस स्टेटस लखनऊ बेंच शो हो रहा है। हाई कोर्ट की कुछ बेंचेस होती है, तो यूपी में भी हाई कोर्ट की दो बेंच है, एक इलाहाबाद में है और एक लखनऊ में है। तो आप जौन सी भी बेंच के केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इलाहाबाद बेंच के केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम केस स्टेटस इलाहाबाद पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आप केस का स्टेटस कई तरीके से चेक कर सकते हैं, केस नंबर के द्वारा भी, केस ईयर के द्वारा भी और पार्टी के नाम के द्वारा भी। अगर आपके पास केस नंबर है तो आप सिंपली यहाँ सर्च बाय केस नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर केस टाइप चूज करना होता है कि आपका केस किस टाइप का है, क्रिमिनल है, बेल है या फिर सिविल केस है या आरटीआई का केस है या फिर 138 का केस है या 482 का केस है, वो आपको यहाँ पर केस टाइप में चूज करना होता है। चलिए हमारा जो केस है वो सीआरपीसी 482 का है, यानी किसी ने हमारे खिलाफ फेक एफआईआर फाइल की है और हमने उस एफआईआर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो अब हम उस एफआईआर का केस स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लिस्ट में से चूज करेंगे एप्लीकेशन अंडर 482। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर केस का नंबर डालना होता है। केस का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर केस का ईयर डालना होता है। केस का ईयर डालने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा शो हो रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसे कि केस टाइप, केस नंबर, केस ईयर और पिटिशनर का नेम और रिस्पोंडेंट का नेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विनोद एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का केस है। तो यहाँ व्यू पर क्लिक करके हम इसका स्टेटस चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाता है सीएनआर नंबर। सीएनआर नंबर भी एक नंबर होता है जिससे भी आप अपने केस का स्टेटस इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फिलिंग नंबर है, रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई। यहाँ पर आप केस का स्टेटस देख सकते हैं कि फर्स्ट हियरिंग जो डेट थी वो 4th जनवरी 2018 थी और जो केस की स्टेज है वो ऑर्डर की स्टेज है, इसमें अब ऑर्डर दिया जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिटिशनर का नेम और उसके एडवोकेट का नेम और रिस्पोंडेंट का नेम और उसके एडवोकेट का नेम। पिटिशनर इसमें विनोद एंड अदर है और उसके एडवोकेट का नेम है परवेश कुमार पांडे और रेस्पोंडेंट जो है इसमें स्टेट ऑफ यूपी और अदर है। यहाँ पर आप इस केस की कैटेगरी देख सकते हैं, ये सीआरपीसी 482 का केस है जो कि चार्जशीट को क्वेश्चन करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होलागढ़ के पुलिस स्टेशन में ये केस फाइल किया गया था, क्राइम नंबर 82 और 2017 में ये केस फाइल किया गया था। ये तो बात हुई कि आप किसी केस के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप किसी केस के जजमेंट ऑर्डर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैक में आप यहाँ पर देखेंगे कि जजमेंट्स ऑर्डर का आपको ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इस जजमेंट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पर जूम करेंगे तो जजमेंट ऑर्डर यहाँ पर आपको शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जजमेंट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। यहाँ पर आप थोड़ा जूम करेंगे तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में शो होगा केस नंबर, जज नेम, टाइटल। तो आप यहाँ पर केस नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बेंच चूज करना होता है। चलिए इलाहाबाद हम रहने देते हैं। यहाँ पर आपको केस टाइप चूज करना है। केस टाइप में हम यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर 482 यहाँ पर चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर चूज करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर केस नंबर डालना है। केस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में जो भी जजमेंट दिए गए हैं
उनकी कॉपी आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती है। आप उसको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डालना होता है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑर्डर की कॉपी है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद अपने फोन पर आप इस तरह से इस कॉपी को रीड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी भी केस का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और हाईकोर्ट के केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस हाईकोर्ट का नाम टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मुंबई हाईकोर्ट के केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे मुंबई हाईकोर्ट और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहली जो वेबसाइट आती है इसी वेबसाइट पर क्लिक करके हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फुल साइट का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको केस स्टेटस पर क्लिक करना है। केस स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप केस नंबर पर क्लिक करेंगे। केस नंबर पर क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेंच चूज करनी है। इस हाईकोर्ट की भी यहाँ पर कई सारी बेंचेस हैं, जैसे कि एक बॉम्बे में है, एक औरंगाबाद में है और एक नागपुर में है। यहाँ पर हम बॉम्बे चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर केस की नेचर चूज करनी है कि सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। चलिए हम यहाँ पर सिविल चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको केस टाइप चूज करना है कि किस टाइप का आपका केस है। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर। ये चूज करने के बाद यहाँ पर आपको केस नंबर डालना होता है। केस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है कि कौन से ईयर का ये केस है। चलिए मैं 2018 यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको सर्च बाय केस नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस केस की डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिटिशनर का नेम है जीनत शिराज और यहाँ पर रिस्पोंडेंट का नेम भी है मुनीश और यहाँ पर पिटिशनर के एडवोकेट का नेम भी आपको शो हो रहा है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जज का नेम शो हो रहा है और यहाँ पर देखिए और अब नीचे आप और भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इस केस में जितने भी ऑर्डर्स दिए गए हैं आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए जूम करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको शो हो रहा है लिस्टिंग डेट्स एंड ऑर्डर्स। आपको इस लिस्टिंग डेट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें जो ऑर्डर दिए गए हैं उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट शो हो जाती है। तो आप यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो केस ऑर्डर डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल फोन पर कुछ इस तरह से शो होगा, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन पर किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही उस केस में दिए गए ऑर्डर जजमेंट की कॉपी भी आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।